सब्सक्राइब कीजिए चिराग गेमिंग को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे तरफ से नहीं भूलेंगे। सो हाय गाइस, तो मैं वापस आ चुका एक नई वीडियो लेके। तो आज मैं बताऊंगा कि जो माइनक्राफ्ट का बीटा वर्जन होता है उसे कैसे हटाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि बीटा वर्जन कैसे हटाते हैं, उसका फ़ोटो आपको शो हो रहा होगा, तो उन्होंने पूछा है। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, सो ऐसे ही सपोर्ट कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 1K तक पहुँचना है ये 365 डेज में, नहीं तो चैनल बंद हो जाएगा, प्लीज़ यार। और तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप एक्सबॉक्स ओपन करके इसमें अगर आपने अलग अकाउंट खोल रखा है जो MS स्टोर से अलग है, उन दोनों में एक्सबॉक्स और MS स्टोर में जो भी अकाउंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है, आप मेरे को ऐड कर सकते हो एज अ फ्रेंड। यहाँ पे मेरी आईडी आ रही, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मेरी आईडी माई एक्सबॉक्स की, तो आप मुझे ऐड कर सकते हो। आपको एक्सबॉक्स से लॉग आउट कर देना है अगर आपने पर्सनल आईडी यूज़ कर रहे हो तो। और जो आप जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हुई है कि कैसे अनलॉक करना है, तो प्लीज़ उसके उसको जाके देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत, ये आई बटन में आ रहा होगा अभी, तो वहाँ पे जाके देखो प्लीज़। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आईडी, ये है मेरी गेमर टैग है, ये मेरा चिराग गेमर 8025, इसे आप ऐड कर सकते हो और मेरे साथ खेल सकते हो अगर आपको खेलना हो तो। और हाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे साइन आउट करना है, मैं नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ जैसे कि ये मेरी आईडी है, पर्सनल आईडी है मेरी, तो बट मैंने जो अकाउंट से अनलॉक किया है माइनक्राफ्ट वो अकाउंट दूसरा है और ये दूसरा है, तो मैंने उसमें भी बोला था वीडियो में कि आप एक्सबॉक्स से पहले साइन इन करना डाउनलोड या फिर ऑन करने से पहले, तो आपको साइन इन हो जाएगा अपने आप ही पर्सनल अकाउंट से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि किसी और के अकाउंट से आप खेलो, तो ऐसे कर लेना आप लोग, तो आपका अकाउंट वो आप पर्सनल अकाउंट यूज़ कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ से साइन आउट करके एक बार साइन आउट करके फिर आपको लॉग इन करना है, जो मैंने एक्सफोर्स गेमर वाली अकाउंट्स बताए थे उसमें से किसी भी एक में से। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 1 or 2 अकाउंट यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसलिए उसके अलावा यूज़ करना। उसके अलावा यूज़ करने में यहाँ साइन इन करना, जब साइन इन हो जाए अच्छे साइन इन हो जाए तो फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देना, इसका कोई काम नहीं है। फिर से साइन इन होने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका ये Amazon स्टोर है, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी जो जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी, उसके आप पासवर्ड याद रखना। ईमेल और जीमेल आईडी दोनों इसमें रहेगी, मतलब लॉग आउट हो जाएगा, बस वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर होता भी पता नहीं होता है कि नहीं होता, मेरे से नहीं हुआ क्योंकि मेरे को करना था इसलिए। फिर उसके होने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट यहीं से कर लेना, और अगर आप विंडोज़ कोई दूसरे विंडोज़ से कर रहे हो तो रन से भी कर सकते हो, आप विंडोज़ में सारा दबा के वहाँ से भी, दोनों सेम ही है। मैं अगर विंडोज़ 10 में कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे करो, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, रन एज एडमिन और एक सिंपल, तो उसमें रन एज एडमिन नहीं होगा रन में, इसलिए आपको यहाँ टाइप करना है wsreset.exe, ये आ गया है। अब आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरी जीमेल हट जाएगी आईडी है। फिर उसके बाद आपको एक बार अगर चाहो तो आप रिस्टार्ट करना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है पीसी को। फिर आपको यहाँ से ये और हाँ, जब आप रन एज एडमिन करोगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप बंद हो जाए, और इंटरनेट चालू रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी
पता नहीं जब आपने फर्स्ट जो आईडी लॉगिन की होगी ना एमएस स्टोर में, वो खुल जाएगी अपने आप। फिर उसको आपको लॉग आउट करके एक्सपोज्ड गेमर की डालनी है, जैसे मैंने ये डाल रखी है, ये फोर्थ अकाउंट है इसका एक्सपोज्ड गेमर का। उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस करके फिर माइनक्राफ्ट डाउनलोड करना है उसके बाद। और इसमें ये जब तक लॉग आउट मत करना जब तक आप फुल्ली अनलॉक नहीं हो जाए, नहीं तो वो अनलॉक नहीं होगा। और अगर आपको फिर पर्सनल अकाउंट चलाना है तो डायरेक्ट जाके एक्सबॉक्स ऑन करने से पहले एक्सबॉक्स में अपनी पर्सनल अकाउंट को साइन इन कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए। और फिर जब आप यहाँ से सर्च करके माइन क्राफ्ट डाल देना, माइनक्राफ्ट आ जाएगा ये। ये देखिए ये आ चुका, ये आ गया। ये जो फिर इसके बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए प्ले का ऑप्शन आ रहा है, आपके यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। और अगर नहीं आए तो फिर आपको दूसरे अकाउंट से ट्राई करना, मैंने भी किया है। जो भी मुझे बोल रहा था कि उसका नहीं हो रहा था, मैंने 6 अकाउंट्स ट्राई किए हैं और वो सब चले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती, कोई पासवर्ड चेंज कर देता है कोई बंदा, इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो मैं एक ही अकाउंट मैंने लॉगिन करा हुआ है, वो दिक्कत नहीं हो रहा है मेरा, इसलिए मैंने वही करा हुआ है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो बीटा वर्जन हट जाएगा। मैंने खुद ये किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और नए व्यूअर्स यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल की। जो ओवरऑल व्यूज़ है वो 10K पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी तक 100 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।